अयोध्या नगर निगम में भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी द्वारा शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के पूर्व संध्या के अवसर पर आज नगर निगम प्रांगण में स्थित प्रतिमा पर शाम को 5 बजे माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों को आमजन तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनौस के पूर्व प्रदेश महासचिव सत्यभान सिंह जनवासी मौजूद रहे। माल्यार्पण करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जनौस नेता सत्यभान सिंह जनवादी ने कहा कि भगत सिंह युवाओं के आइकॉन हैं, इसके बताए रास्ते पर युवाओं को चलना होगा। क्रांतिकारियों ने अपने लिए नहीं अपनों के लिए गर्दन कटाई है। उद्देश्य यही है कि शहीद आजम भगत सिंह ने जिस क्रांति को जो है जिस क्रांति के माध्यम से हमारे देश को आज़ाद कराया था, उस क्रांति को हमें जो है आगे लेकर चलना है और हमारी जो एक पीढ़ी आगे बढ़ रही है उसके साथ साथ हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं वो जोश बना रहे, वो होश बना रहे, देश का उत्थान हो, महिलाओं का संरक्षण हो और जो बेरोजगारी है उस वो दूर हो और हम सब लोग आगे बढ़ें और इस ज्योति को आगे लेकर चलें, इस साहस को आगे लेकर चलें। ऊष्मा सजन, मैं सुखापुर इटौरा में सहायक अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिवस और आज उनको हम लोग भारतीय जनवादी नौजवान सभा के साथ ही उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। और उनका जो देश था, देश की आज़ादी के बाद एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जिसमें मानव का मानवता शोषण नहीं होगा। साम्राज्यवाद के खिलाफ इनकलाब के नारे को बुलंद करते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए मात्र 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। आज ऐसे नौजवान क्रांतिकारी को हम लोग नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके विचारों को लेकर के जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर DYFI पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन क्रांतिकारियों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जिस तरीके से भगत सिंह ने पूरे देश के नौजवानों को एक संदेश दिया कि अगर आप शिक्षा रोजगार के सवाल पर अपने अधिकारों के सवाल पर नहीं लड़ोगे तो आप बुजदिल कहे जाओगे। तो आज हमें ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को, छात्रों को, मजदूरों को, महिलाओं को इनके विचारों पर चल करके, जो इनका सपना था, जो इनका संघर्ष था, जो इनका उद्देश्य था, उसके उद्देश्यों पर चल करके हमारे बीच में जो साम्प्रदायिकता साम्राज्यवाद का जो जहर है इसको ख़त्म करने के लिए, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई के खिलाफ, रोजगार के लिए, गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए हम लोग को एकजुट होकर के इन क्रांतिकारियों को परम्परा को आगे बढ़ाने का काम करना है। कितने लोग आज देखिए, हाँ दर्जनों लोग साथी हैं और ये कार्यक्रम दो दिवसीय है। भारतीय जनवादी नौजवान सभा कल भी 28 तारीख को सुबह एक विद्यालय में एक गोष्ठी है, भगत सिंह और आज का भारत, और इसके बाद 2 बजे से पदयात्रा है जाना बाजार में तारूम ब्लॉक के अंदर, जो 2 किलोमीटर पदयात्रा चल करके उनको नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।